हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल सा चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट इन्वेंशन एंड देयर इन्वेंटर्स। तो पिछले दो लेक्चर्स में हमने जो है SI यूनिट्स को ख़त्म किया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इम्पोर्टेंट इन्वेंशन देखेंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ जाके वो वीडियोस चेक करें और देखें। तो आज हम जो है डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस एंड देयर इन्वेंटर्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है आर्चिमिडीज़ ने क्या डिस्कवर किया, उसने क्या डिस्कवरी दे दी, उसने जो है किसके बारे में डिस्कवरी दे दी, प्रिंसिपल ऑफ बयांसी या प्रिंसिपल ऑफ लेवर भी इसको प्रिंसिपल ऑफ लेवर और प्रिंसिपल ऑफ बयांसी के बारे में जो है इसने डिस्कवरी दे दी। देन इज नेक्स्ट हमारा गैलीलियो, उसने क्या किया, लॉ ऑफ इनर्शिया वॉज गिवन बाय गैलीलियो। देन क्रिश्चियन हैगन्स, उसने क्या दी, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। हु डिस्कवर्ड द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, तो आंसर आ जाएगा आपका क्रिश्चियन हैगन्स। देन इसाक न्यूटन, ही गेव द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन लॉज ऑफ मोशन एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है माइकल फैराडे, ही गिव्स द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये तीन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट गैलीलियो, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मोशंस, टेलीस्कोप, देन लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आर लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देन हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देन जेसी बॉस, अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स। उसके बाद आ गया हमारा डब्ल्यू के रिंगटन, ही डिस्कवर्ड एक्सरेज, दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, जे जे थॉम्सन, वन ऑफ द मोस्ट डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, और था कहाँ का, वो यूके का था। ठीक है, उसके बाद आ गया मैरी क्यूरी, उसने डिस्कवरी किसके बारे में दे दी, डिस्कवरी ऑफ रेडियम एंड प्लूटोनियम, स्टडीज़ ऑन द नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बारे में उसने जो है स्टडी की। उसके बाद आता है हमारा अल्बर्ट आइंस्टाइन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट, एंड ही गिव्स द जनरल थ्योरी एंड एज वेल एज द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ही इज़ फ्राम जर्मनी। देन कम्स टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ विक्टरी फ्रैंक्स हेस, He discovered a cosmic radiation. Then उसके बाद हमारा आता है Ernest Rutherford. He gives nuclear model of atom and he is from New Zealand. उसके बाद आता है Niels Bohr. He gives quantum model of hydrogen atom. Then C.V. Raman. He gives inelastic scattering of light by molecules. He is from India. उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है लुईस विक्टरी डी ब्रोगली. He gives wave theory of matter. Then M.N. Shah. He gives thermal ionization. Then S.N. Bose. He gives quantum statistics. Then Wolfgang Pauli. उसने जो है क्या दिया, exclusion principle. Then Enrico Fermi. He gives controlled nuclear fission के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं वर्नर हेजनबर्ग, ही गेव्स क्वांटम मैकेनिक्स, ही गेव्स अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ही इज़ फ्रॉम जर्मनी। पॉल डायरेक, ही गेव रिलेटिविस्टिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड क्वांटम स्टैटिस्टिक। देन एडविन हबल, He gave expanding universe की डिस्कवरी जो है किसने दे दी थी, हबल ने हैं, एडविन हबल, वन ऑफ द मोस्ट। देन अर्नेस्ट ऑरलैंडो लायरेंस, उसने जो है साइक्लोट्रॉन के बारे में जो है अपनी डिस्कवरी दे दी। जेम्स चैडविक, ही गेव्स अबाउट न्यूट्रॉन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन हिडेकी योकावा, ही गेव्स थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद हमारा आता है, ये उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है बाकी, तो आप जो इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज़ हुई हैं उनके बारे में जो एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी वो भी पूछे जाएंगे, उनको भी आपने एक बार जो है रीड आउट करना है, लेकिन इनको जो है आपने बिल्कुल अच्छे से याद रखना है।
फर्स्ट वन इज फोटॉन दैट वाज डिस्कवर्ड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन. देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1897. देन नेक्स्ट इज अर्नेस्ट रदरफोर्ड, हिज डिस्कवरी इज अबाउट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड ही गेव दिस डिस्कवरी इन 1919. देन जॉन डाल्टन, ही गेव्स अबाउट एटॉमिक, एटम के बारे में जो है इसने एक्सप्लेन किया और इसकी डिस्कवरी दे दी. देन जेम्स चैडविक, हिज डिस्कवरी इज अबाउट न्यूट्रॉन. तो जेम्स चैडविक ने क्या डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन को. उसके बाद इसाक न्यूटन ने क्या किया, उसने लॉज ऑफ मोशन के बारे में. देन नेक्स्ट आता हमारा चार्ल्स ऑगस्टिन डी कॉलम, उसने जो है किसके बारे में दिया, कॉलम्स के बारे में उसने एक्सप्लेन किया, उसकी डिस्कवरी जो है कॉलम के बारे में रही. जॉर्ज साइमन ओम्स, उसने जो है उसकी जो डिस्कवरी है वो जो है ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ जो है वो जो है किसने दिया, जॉर्ज साइमन ओम ने, ये आपने याद रखना है. देन नेक्स्ट हम चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दिस वाज गिवन बाय माइकल फैराडे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब आपने याद रखने हैं. देन थर्मोनिक एमिशन, दिस वाज गिवन बाय थॉमस एडिसन, थॉमस एडिसन इज द डिस्कवरी अबाउट थर्मोनिक एमिशन दैट वाज गिवन बाय थॉमस एडिसन. देन वी मूव टू द नेक्स्ट दैट इज रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी के बारे में जो है किसने डिस्कवरी दी है, दैट इज हेनरी बैकरल, हेनरी बैकरल ने दिया है डिस्कवरी अपनी. देन मूव टू द नेक्स्ट रेडियम, रेडियम की जो है डिस्कवरी किसने दी है, मैरी क्यूरी ने, दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये हमने ऊपर भी पढ़े हैं कुछ. देन क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी जो है मैक्स प्लैंक ने दी है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो अभी मैंने पढ़े ये जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इनको थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है मैंने. और उसके बाद नेक्स्ट आता है आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है किसने दिया है, हेनरिच रेडोल्फ हर्ट्ज़ ने. उसके बाद आगे हम चलते हैं एक्सरे, एक्सरे वाज गिवन बाय रोंगटन, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं. उसके बाद एक्सरे आता है हमारा, देन रिलेटिविटी, रिलेटिविटी वाज गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये भी हमने ऊपर पढ़ लिया है. इनको इसलिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. देन एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय नील बोर्स रदरफोर्ड. देन न्यूक्लियर रिएक्टर, इट इज़ गिवन बाय एनरिको फोमी, एनरिको फोमी ने जो है किसकी डिस्कवरी की है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स की. तो ये था आज का जो लेक्चर था, इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस और इन्वेंटर्स की. तो आज हमने जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है. तो इसको जो है ये जो है इधर से नीचे जो है फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, न्यूट्रॉन, लॉ ऑफ मोशन, कोलम, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हार्मोनिक एमिशन, रेडियो एक्टिविटी, रेडियम, क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सरे.